नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बैंक पर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी इतने दिन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार SSB ट्रेड्समैन भर्ती का रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा, नॉर्मलाइज स्कोर हमें कब देखने को मिलेगा, तो दोस्तों ऑफिशियली अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। कंप्लीट जानकारी ऑफिशियली प्रूफ के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार रिजल्ट इतना लेट क्यों हो रहा है, इतना डिले क्यों हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करें तो क्या पदों की संख्या बढ़ने वाली है या फिर पद नहीं बढ़ेंगे, आगे दोस्तों बात करें तो आपका ट्रेड टेस्ट कब होंगे, ये कंप्लीट जानकारी हम डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। वहीं दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की हर लेटेस्ट अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने कौन सी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया था, कितने नंबर आपके बन रहे, ताकि दोस्तों हम आपको बता सके कि आपका आप सिलेक्शन के करीब हैं या फिर नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आखिरकार जो आपके पदों की संख्या क्या बढ़ने वाली है या फिर नहीं बढ़ेगी। कि मेरे दोस्त 1522 पोस्ट पर आपका 2020 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, 1522 पदों का नोटिफिकेशन था, आप सभी को पता है। इसके बाद में अभी 2023 में SSB ट्रेड्समैन की एक भर्ती और देखने को मिली। अगर दोस्तों वो भर्ती आपको नहीं मिलती तो आपके पदों की संख्या 100% बढ़ने वाली थी और काफी ज्यादा चांस थे कि इन्हीं में आपके पद बढ़ाए जाएंगे, लेकिन दोस्तों किसी न किसी कारणवश आपकी नई भर्ती निकाली गई और नए फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो दोस्तों अब आपके पदों की संख्या बढ़ने के चांसेस तो ना के बराबर है, यानी कि पद बढ़ने की उम्मीद बहुत कम रह गई है। अब आगे बात करते हैं कि रिजल्ट इतना लेट क्यों हो रहा है, आंसर की जारी हुए काफी टाइम बीत चुका है, अभी तक आपका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। कई अभ्यर्थी बोल रहे हैं क्या नोटिस भी जारी नहीं हुआ, तो मेरे दोस्त SSB CRPF है, ये पैरामिलिट्री फोर्स कभी भी कोई भी नोटिस जारी नहीं करती, तुरंत झटके देती है। आप सभी को पता है जैसे ही आपके एडमिट कार्ड जारी होते उसके बाद में 6 दिन का आपको टाइम मिला था एग्जाम के लिए, तो वैसे ही दोस्तों जल्द से जल्द जैसे ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। लेकिन फिर भी बात करें तो मेरे दोस्त 15 अगस्त आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों 15 अगस्त से पहले पहले आपका रिजल्ट है वो ऑफिशियली तरीके से जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए ज्यादा इंतजार आपको अब नहीं करना पड़ेगा। आगे दोस्तों बात करते हैं कि क्या ट्रेड टेस्ट कब तक कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, अगर 15 अगस्त तक हमारे रिजल्ट जारी होते हैं तो मेरे दोस्त रिजल्ट जारी होने के बाद में आपको मैक्सिमम 1 महीने का टाइम मिलेगा। ये मैक्सिमम टाइम हो सकता है 20 से 25 दिन का ही टाइम मिले, लेकिन अगर 1 महीने का भी टाइम मिलता है तो 15 सितंबर तक आपके ट्रेड टेस्ट है वो 100% मेरे दोस्त शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे दोस्त ट्रेड टेस्ट की तैयारी शुरू नहीं की है, जुट जाइएगा अभी से ट्रेड टेस्ट की तैयारी में, क्योंकि टाइम काफी कम बचा है, अभी से तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन पॉसिबल है। अगर आपके ठीक ठाक नंबर बन रहे तो ट्रेड टेस्ट की तैयारी में जुट जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।